जीवन में काम की व्यस्तता या आप जब बिजी रहते हैं किसी भी काम को लेकर, तो कई चीज़ें आप यूँ कहें कि कुछ पल के लिए भूल जाते हैं। कुछ पल के लिए भूल जाते हैं मतलब आप कुछ करना हो वो भूल जाते हैं, किसी को कॉल करना भूल जाते हैं, किसी को मैसेज करना भूल जाते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि दोस्तों को आप ग्रांटेड ले लेते हैं हर चीज़ में, चाहे रिश्तेदारों को हो। अच्छी बात है, लेकिन जब भी मौका मिले कर लेना चाहिए और नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम व्यस्त कहूँ या फिर ऐसा कहूँ कि काम में मशरूफ़ रहते हैं, तो हम बाकी चीज़ों की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाते। भूलना नहीं कहूँगा लेकिन उतना ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे में होता क्या है कि जितने भी हमारे चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे दोस्त हों और चाहे हमारे करीबी हों, तो उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फला भूल गया हो। ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले, जब भी चांस मिले, या जैसे ही आप उस काम को पूरा कर लें या उसके बीच में भी थोड़ा भी टाइम मिले, तो एक मैसेज कर देना चाहिए, एक फ़ोन कॉल छोटा सा कर देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब समय ज़्यादा हो जाता है या हम काफ़ी टाइम तक एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, संपर्क नहीं साध पाते हैं किसी कारणों किन्हीं कारणों से भी, तो वो चीज़ें फिर अलग मोड़ लेने लगती हैं, अलग चीज़ें सामने आने लगती हैं। यानी कि हमें लगता है कि कहीं ये दूरियां तो नहीं हैं, कहीं ये एक दूसरे से अलग अलग जाना तो नहीं। ऐसा ना हो उससे पहले ही करीब आ जाना चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी तरीके से हो, कैसे ही हो, क्या जाता है, एक मैसेज करके कि यार गलती हो गई, हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, बस हो गया, मान लो चलो वापस आ गया हूँ, जो कहो वो करूँगा, या जैसे चाहो वैसे, अगर पनिश करना चाहो, अगर सजा देना चाहो, हाजिर हूँ, मंजूर है सब कुछ, जो भी कहो जो भी करो सब मंजूर है, लेकिन दूरियां नहीं आने देनी चाहिए। क्योंकि जो दूरियां हैं ना, ये बहुत अकेला कर देती हैं, और उसके बाद में आदमी को लगता है यार सब कुछ बस यूं ही है या सब कुछ ख़त्म हो गया। तो इसलिए जब भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, करीब जाने का चले जाओ, करीब रहो, और अगर किसी कारणवश थोड़ा कभी थोड़ा सा दूर नहीं लेकिन थोड़ा सा अलग अलग जा रहे हैं, तो फिर से वापस आ जाइए और जो भी हो जैसे भी हो सुलझा लीजिए बातों को। उलझने में कुछ नहीं रखा है, सुलझने के बाद आप देखिए बहुत आनंद है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं। इसलिए चलते रहिए सुलझ कर, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे के साथ संपर्क रख के चलते रहिए जीवन में।